देर रात बदमाशों ने एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। युवक को बचाने आए उसके पिता पर भी बदमाशों ने हमला कर दिया। युवक की हत्या क्यों और किन कारणों के चलते हुई इसका खुलासा नहीं हो सका है। मामले में पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी जांच शुरू कर दी है। घटना चंदन नगर थाना क्षेत्र के गणेश नगर की है। यहां रहने वाला अभिषेक नामक युवक अपने घर में खाना खा रहा था। उसी दौरान दो अज्ञात बदमाश घर में घुसे और अभिषेक पर हमला कर दिया। जब अभिषेक को बचाने उसके पिता आए तो उन पर भी हमला किया गया। घटना के बाद परिजन घायलों को उपचार के लिए MYH अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान अभिषेक की मौत हो गई। वहीं पिता का उपचार जारी के मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गोवर्धन पैलेस में एक व्यक्ति अभिषेक का उम्र करीब 17-18 साल है, ये घर पर खाना खा रहा था। इसी दौरान में दो लोग अंदर आए हैं और इसके साथ डंडे और चाकू से हमला करके इसको घायल कर दिया। जिला अस्पताल में इसको इलाज के लिए भेजा गया, जहाँ से रेफर MYH के लिए कर दिया गया। अभी सूचना मिली है कि उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। हाँ सर, बताया जा रहा लाइट बंद करके मारा, कोई पुरानी रंजिश वगैरह पहचान थे? अभी ये सारी स्थिति क्लियर होगी, उसके बाद इस संबंध में डिटेल में बताया जा सकता है। सर, ये इसका बैकग्राउंड आया, अभिषेक का क्या करता था, किस तरह से? अभिषेक का मुद्दा मजदूरी करता था और काफी गरीबी हालत में है ये पूरा परिवार। सर, किसी के नाम सामने आए या कितने लोग हैं, कुछ घटना की जानकारी? अभी ये सारी स्थिति क्लियर होने के बाद ही बताया जा सकता है। सर, इसके पिता से भी मारपीट की गई है, इस तरह भी? हाँ, घर में जो भी अन्य लोग मौजूद थे, तो पिता को भी एक डंडे की चोट लगी है और जो भी लोग मौजूद थे उनको हल्की फुल्की चोटें हैं, लेकिन गंभीर रूप से इसी को अभिषेक को चोट आई थी, जिनकी अभी अस्पताल में सूचना मिली है कि जा सकती है। युवक की हत्या क्यों की गई और हमलावर कौन थे, यह फिलहाल साफ नहीं हो सका है। आशंका है कि पुरानी रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जिसका खुलासा आरोपियों को पकड़ने के बाद ही हो पाएगा।